साल 2020 नवंबर का महीना खत्म होने वाला था। कोरोना की वजह से टूट चुकी अर्थव्यवस्था एक बार फिर से उभरने के लिए तैयार थी। कंपनी और काम धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे थे, लेकिन देश का एक तबका सड़कों पर उतरने की तैयारी में लगा हुआ था। कारण 3 नए कृषि कानून जो किसानों को उनके अस्तित्व को खत्म करने वाले लग रहे थे। सितंबर 2020 को भारत की संसद ने कृषि संबंधित 3 विधेयकों को पारित किया और 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये तीनों विधेयक कानून बन गए। तब से किसान इन कानूनों के प्रावधानों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करेंगे दिल्ली की सीमाओं पर पिछले कुछ महीनों से चल रहे किसान आंदोलन की, क्या असर पड़ा इस आंदोलन का सरकार पर। सरकार से किसानों की बातचीत टूटे एक महीना बीत चुका है। जिस वक्त प्रदर्शन शुरू हुआ था उस वक्त सर्दियां शुरू हो रही थी, लेकिन अब गर्मियां दस्तक दे रही हैं। मौसम बदल गया पर हालात नहीं। कितने दिन और चलेगा ये आंदोलन, कब तक रहेगा ये डेडलॉक? क्या इसलिए किसान भारत बंद और रेल रोको आंदोलन के जरिए दिल्ली की सत्ता पर दबाव बढ़ाना चाहते थे ताकि रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़ सके? नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं किसान भारत। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कई गतिविधियां की, कारण सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली, भारत बंद, चक्का जाम और रेल रोको आंदोलन आदि। हालांकि बड़े स्तर पर ना भारत बंद सफल रहा और ना ही रेल रोको आंदोलन। क्या इससे दोबारा साबित नहीं होता कि यह संघर्ष मंच कुछ उत्तर भारतीय प्रदेशों के किसानों का है? तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र के किसानों में भी इसी तरह का आक्रोश है, पर वे अभी तक सड़कों पर नहीं उतरे हैं। उधर गाजीपुर, सिंगू और टीकरी सीमाओं पर भी भीड़ पहले के मुकाबले कम हो चली है। क्या इससे यह ध्वनि नहीं निकलती कि 3 महीने पुराना अहिंसक और अनूठा आंदोलन अपनी आप खो रहा है? क्या अभी इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी? हमारा ऐसा कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आए दिन जो महापंचायतें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में बुलाई जा रही है, उनमें भीड़ बढ़ रही है। इन पंचायतों में अब राजनीतिक हस्तियों को भी शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। ऐसे में क्या यह माना जा सकता है कि प्रदर्शनकारी किसानों की लड़ाई भले ही नए प्रदेशों तक न पहुंची हो, पर यह आंदोलन 6 राज्यों के बचे भागों में पैर पसारता जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं से कम होती भीड़ को लेकर किसान नेताओं का दावा है कि शादियों के मौसम और खेतों में बढ़ते काम के कारण लोगों ने पालियां बना ली है। एक दल जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। हम लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं और हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं है। राकेश टिकैत तो यहाँ तक कहते हैं कि पूरे देश में किसान अपने हालात से असंतुष्ट हैं और अन्य देशों में भी बड़ी किसान रैलियां हो रही हैं, जिसमें मुझे भी शिरकत करने का अवसर मिल रहा है। क्या इन महापंचायतों का मकसद दिल्ली जैसे धरना ही देश के बाकी राज्यों में करने का है? इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है और हम उसे जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे, पर पंजाब के नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने समूचे मसले को नया मोड़ दे दिया है। पंजाब में कांग्रेस ने अभूतपूर्व जीत हासिल की और बरसों बाद अकालियों से अलग होकर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 4th स्थान पर रही। यह जीत किसकी विकट है, इसे समझने के लिए आप जीत के आंकड़ों पर नजर डाल लीजिएगा। क्या इन चुनाव ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की कहानी लिखनी शुरू कर दी है? खैर, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। हवा कब किस तरह अपना रुख कर ले यह किसी को नहीं पता। हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा। वहाँ 4 लाख ट्रैक्टर नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को कहा, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। टिकैत ने आगे कहा कि कान खुलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए और MSP पर लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान करेगा। मुजफ्फरनगर में होने वाली मासिक पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ललकार रहे थे कि जो सरकार हमें दाम नहीं दे रही उसके नेताओं को शादी ब्याह के निमंत्रण देना बंद करो, यह एक तरह के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान है। एक बात तो साफ है कि भाजपा के जिस मुजफ्फरनगर मॉडल ने 2014 से अब तक उसकी जानदार जीत दी है, अब उस पर खतरा मंडरा रहा है।
हालात को देखते हुए प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती ने भी अपने अपने दाव आजमाने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल को भी उत्तर प्रदेश में अपने लिए संभावना नजर आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए किसान भारती। धन्यवाद।